मध्य प्रदेश के सतना जिले में आम जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारी खास मुहिम बाढ़ परिक्रमा का दौर लगातार जारी है। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम आज सतना के वार्ड क्रमांक 13 रविशंकर शुक्ला वार्ड के भ्रमण पर है। इस वार्ड से जुड़ा हुआ वार्ड क्रमांक 20 भी है। वार्ड क्रमांक 13 में सांसद गणेश सिंह का निवास भी है, लिहाजा वार्ड में ऐसी कोई समस्या देखने और सुनने को नहीं मिलती। इस वार्ड से भाजपा के सूर्यपाल सिंह पार्षद हैं। वार्ड में इकलौता पार्क है जिसका कायाकल्प पार्षद द्वारा कराया जा चुका है। बुनियादी सुविधाओं को लेकर इस वार्ड की जनता से चर्चा की गई तो वार्ड वासियों ने बताया कि हम लोग वार्ड क्रमांक 20 में जरूर रहते हैं, लेकिन वार्ड में कोई भी समस्या होती है तो हम लोग वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद से संपर्क करते हैं। वार्ड पार्षद का निवास भी वार्ड 13 में ही है। भ्रमण के दौरान इस वार्ड में समस्याओं का अंबार देखने को मिला। हालांकि वार्ड में नालियों की सफाई ना होने से मच्छरों का प्रकोप सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा कभी कभी गंदा पेयजल सप्लाई भी इस वार्ड में हो जाता है, जिसको लेकर भी जनता नाराज नजर आई। वार्ड में क्या कैसी समस्याएं? हमारे यहाँ मोहल्ले में तो सफाई वगैरह होती है टाइम टाइम से, नालियाँ भी होती हैं, कुछ रोडें खराब है, सिविल लाइन का काम यहाँ चला हुआ है। जो रोडें खराब हैं तो अभी उनका सुधार के लिए दाऊ ने बात किया है, हमारे जो पार्षद है वार्डमान के सूर्यपाल सिंह कंत्रो दाऊ, तो उन्होंने बात किया है, बोलने की जल्द से जल्द बनाई जाएंगे। वार्ड नंबर 13 के पार्षद एक नंबर का काम करते हैं, इनसे कोई समस्या नहीं। कुछ समस्याएं हैं, पर ये पानी के टाइम से आना चाहिए और पानी साफ आना चाहिए। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, आए दिन पानी टाइम से नहीं आता और झाड़ू जो है टाइम से नहीं लगती। झाड़ू 15 दिन में, हफ्ता में, 20 दिन में नाली का फोटो खींच लीजिए, ये सामने है आपके सामने बने तुम्हारा, यही समस्या। बाकी पार्षद से कोई समस्या नहीं, पार्षद एक नंबर का काम। ये बताइए, यहाँ मेन समस्या तो पानी की है, बाकी तो अभी है ना काफी 8-9 महीने हुआ अभी नए पार्षद बने हुए, तो 13 नंबर में जो भी समस्याएं हैं उसको देख करके, जैसे मेन है समस्या लेबर को लेकर के, तो नगर निगम अगर वार्डो में लेबर की संख्या बढ़ाए तो साफ सफाई पर्याप्त मात्रा में हो पाए, और अभी उतनी मात्रा पे पार्क और जो सुबह घूमने के लिए ओपन जिम होता है उस तरह की सुविधाएं अभी वार्ड में नहीं है, लेकिन अभी 8-9 महीने हुआ है तो आने वाले समय में। चूंकि यह वार्ड काफी बड़ा है, निचली बस्तियों में बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है। पार्षद के मुताबिक कुछ झुग्गी बस्तियों वालों ने यहां अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण सड़क चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। पार्षद सूर्यपाल सिंह की माने तो हर एक प्रकार से वार्ड की जनता के साथ वे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद सूर्यपाल सिंह जी, जिनके द्वारा वार्ड में कई प्रकार के विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। आम जनता से हम लोगों ने सवाल जवाब भी किया, जिनका यह भी कहना था कि वार्ड में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो छोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण उनके द्वारा कराया जा रहा है, बाकी जो अन्य समस्याएं हैं तो जैसे मूलभूत जो भी सुविधाएं वार्ड की जनता की होनी चाहिए उस प्रकार से इस वार्ड में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे वार्ड पार्षद सूर्यपाल सिंह जी से। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है सबसे पहले, और सबसे पहले मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से वार्ड में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं तो आपकी नज़र से वो आम जनता से जैसे जुड़ी जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए आपकी नज़र में कैसा क्या हो रहा है? देखिए, जनहित से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं जनता को सुविधा पहुँचाऊँ, जैसे साफ सफाई है, पानी है, प्रकाश है, ये मूलभूत सुविधाएं, पानी, प्रकाश, सफाई, जनता की ये मूलभूत सुविधाएं हैं। ये तीन जो है तो पार्षद की ड्यूटी भी है कि सफाई से वार्ड की जनता वंचित न रहे, और जल से, जल ही जीवन है, जल से वंचित न रहे, और प्रकाश, ये तीनों तीन पहले सबसे महत्वपूर्ण ये तीन समस्याएं बाढ़ की जनता की, ये पानी, प्रकाश, सफाई, तो तीनों में मैं विशेष ध्यान देता हूँ। इसके बाद आ जाता है निर्माण, पार्क है,
पर्यटक नहीं, अभी इतना बड़ा कि आपका ये वार्ड इतना बड़ा क्षेत्रफल मतलब वार्ड इतना बड़ा है, आपके वार्ड में एक लौता पार्क है, आपने कभी नगर निगम से मांग की है कि एक हमको यहाँ पर एक पार्क और होना चाहिए जिससे यहाँ पर उसका प्रपोजल मैं आज ही जन सुनवाई में दे के आया हूँ। वार्ड नंबर 13 के पार्क, ये आदर्श नगर मंडी के पीछे जी काफी स्पेस है जी, लगभग आधा एकड़ जमीन करीब पड़ी हुई है, और उसमें मैं जब पिछले दफ़े 13 साल पहले जब पार्षद था तो वहाँ मैं बाउंड्री वॉल, क्योंकि वहाँ लोग जमीन को कब्जा किए ले रहे थे, आक्रमण किए होता दिख रहा था, तो वहाँ पर कुछ उसमें तो मैंने सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था, और मंगल भवन गरीब बच्चियों के लिए शादी ब्याह के लिए, मंगल भवन और आंगनवाड़ी लगभग एक एकड़ के आसपास पैज था, और शासकीय स्कूल दो कमरे थी तो उसमें हमने 3 कमरे। मैं कोशिश करता हूँ जितनी सुविधा बन सके, पानी का टैंकर है और कई व्यवस्थाएं, सफाई नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगी, सफाई कामगार को बोल दीजिए। तो जैसे बरसात के समय यहाँ पानी भर जाता है जी, तो उस स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर काफी घर मतलब जलमग्न हो जाते हैं, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है कुछ। हाँ, कुछ बेल्ट ऐसा अपने क्षेत्र में है वार्ड नंबर 13 और 20 के ये सेंटर में, आई अपन नगर से ये माधव ITI के नीचे ये क्या नाम है शीतलानी, मनोहर शीतलानी और संगठन द्विवेदी के घर के पीछे, ये बेल्ट में काफ़ी पानी मतलब भर जाता है। वहाँ भी मैंने काफ़ी प्रयास, जब मैं पिछले दफ़े पार्षद था तो वहाँ का प्रवीण सिंह से जनसंदेश तक मैंने नाला बनवाया, पानी निकासी बहुत बड़ा नाला 65 लाख का नाला हमने बनवाया था, और ये नाली जो है यहाँ से महेश मिश्रा के घर से इधर से एक नाला क्रॉस होता है, तो इसको भी हमने कंप्लीट करवाया। पानी अब जो है तो बरसेगा, पानी निकल जाएगा तुरंत, पर पानी टिकेगा नहीं, मतलब वो व्यवस्था हमने कर दिया है कि पानी टिक नहीं सकता वहाँ, पानी बारिश हुई भरेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह वहाँ पर नहीं है कुछ, अभी ये वाला पैच ये नाला हमारा अधूरा रह गया है, ये तो वो 20 नंबर में आता है महेश मिश्रा के बगल, पीछे तक तो हमने बनवा दिया था, कुछ शेष भाग रह गया प्राइवेट लैंड के कारण वो छूटा हुआ है, प्राइवेट लैंड अब वो माननीय हमारे मंत्री रामपुर बघेलान के हर सिंह विक्की भैया का वो प्लाट है, तो अब वहाँ पर आग्रह किया जाए, निवेदन किया जाए थोड़ा जगह दे दें तो वो नाला को हम उसमें ज्वाइंट कर दें, जो बड़ा नाला गया है, तो निश्चित है वो ऐसा माना तो करेंगे नहीं, पर आप वहाँ जाएं, अब जाने की देर है, और अपने पास जैसा आपने पर्यटक के लिए सुविधा जनता को आप क्या दे रहे हैं, तो हमारा जो एक प्रपोजल अभी आज ही पूर्व में भी दिया, पर वो अभी उसकी फाइल नहीं बनी थी, आज हमने जन सुनवाई में मैं दे के आ रहा हूँ, उसमें पत्रक लगा है, आज की डेटें पड़ी होगी भैया, वो पत्रक को निकालो जरा। वार्ड में कई निचली बस्तियां हैं झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे हो रहा है? झुग्गी झोपड़ी जो ITI ये पहले ITI बसोड़ बस्ती के नाम से जानी जाती थी, ये हमारे वार्ड में ITI के बगल में जो बस्ती है, और आज उसका नामीकरण माननीय महापौर जी ने। आपकी नज़र से और हट के क्या विकास होना चाहिए वार्ड में? देखिए मुक्ति धाम वहाँ का लगभग 80% कम्प्लीट हो चुका है, वही गरीब बस्ती के बगल में मुक्ति धाम कंप्लीट हो चुका है, वहाँ का उन गरीब बस्तियों में नाली सड़क की सुविधा से वो वंचित हैं, पर वहाँ पर इतना अतिक्रमण हो गया है कि वहाँ पर हम कुछ विकास करने से भी हम मजबूर हैं, वहाँ पर जगह हमको मिल जाए। अतिक्रमण जहाँ पर हुआ है, हाँ, तो क्या मतलब झुग्गी झोपड़ी वालों ने किया है? झुग्गी झोपड़ी वही गरीबे, वही जो सेवा बस्ती वाले वही कर बैठे हैं, साइकिल मुश्किल से वहाँ साइकिल निकल पाएगी, वहाँ पर पैदल चल सकते हैं कि साइकिल निकल पाएगी, इतनी जगह छूटी हुई है, वहाँ का हमको सड़क चौड़ीकरण करना है, तो वहाँ का अतिक्रमण मुक्त करना पड़ेगा, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, और वहाँ का नाला भी हमारा स्वीकृत हो गया, 22,63,000 का नाला भी हमारा स्वीकृत हो गया है, वहाँ का भी क्षतिग्रस्त नाला है वो भी हमारा स्वीकृत हो गया है,
और सुंदरीकरण का प्रपोजल मैंने माननीय महापौर जी को और कमिश्नर साहब को दे दिया कि यहाँ की मतलब हरियाली लाई जाए, प्रधानमंत्री आवास दिए जाए और इन गरीबों को यहाँ जो है तो सड़क नाली और बाकी गरीबी रेखा और निराश्रित विधवा विकलांग ये तो जो पार्षद की ड्यूटी वो हम करवाई दी, उनको खाद्यान्न मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। गरीब मुक्तिधाम का कार्य 80% पूरा हो चुका है। गरीब बस्तियों में नाली और सड़क की सुविधा अब तक नहीं है। हालांकि पार्षद का कहना है कि वहां इतना अतिक्रमण हो चुका है जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार के लिए पीएम आवास की योजना भी यहां तक नहीं पहुंची। वार्ड में साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों पर भी जनता काफी नाराज नजर आ रही है। पानी, हाँ पानी बहुत गंदा आता है, पानी इतना पीला आता है और इसमें कीटाणु रहते हैं छोटे छोटे टाइप के, इतने सारे कि पानी पीने योग्य नहीं रहता है, बहुत ही खराब रहता है। पानी की कोई टाइमिंग रहती है? पानी कोई टाइमिंग नहीं है, पानी कहीं 2 बजे आ जाएगा, कहीं 12 बजे आ जाएगा, कहीं 2 बजे आ जाएगा, कहीं 4 बजे आ जाएगा, कहीं 11 बजे रात को आएगा। जी यहाँ वो जो है जो बताएं वो है यार। आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ें की समस्या? हमारे यहाँ मतलब ये लगता है कि ये जो पार्षद है ना वो तो वो सफाई नहीं करवाते थे 20 वार्ड के, ये तो 13 वार्ड के है ना, तो अब ये नहीं कराते, नहीं कराते तो ये बताइए वो क्यों नहीं कराता है? वो तो यहाँ से है ना 20 वार्ड से, वाइट जॉइंट रहते हैं थोड़ा, कहीं ना कहीं इशू आता है। और क्या समस्या है आपको? क्योंकि बस यही है नाली, पानी कैसा आता है? पानी तो वही बता रहे गंदी है, कीटाणु रहा था, पिया का मन नहीं पड़ता, गंदा आता है। तो फिर कहाँ से लाते हैं पानी? उसी को खा करते हैं, छाड़ते हैं 2 दार 3 दार कपड़ा से पीपी के, कहाँ जाएंगे? ऐसे बीमारियाँ आपके बाद में मेन प्रॉब्लम तो पानी की मंदिर के पास खत्म, घर के अंदर मलबी गिर रहे हैं, कोई बनाने वाला नहीं, सिर्फ बहुत यही है और रोड जो बनी है कोई बना नहीं है। तो जैसे पानी का कोई टाइम आने का कि नहीं? पानी टाइम तो नहीं आता, पानी कोई टाइम टेबल नहीं पानी का। हालत ये है कि वार्ड के विकास कार्य की चर्चा के लिए दूसरे वार्ड के पार्षद भी वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद से ही सुझाव लेने के लिए आते हैं। बहरहाल सांसद का निवास होने के कारण इस वार्ड का मिजाज कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। हमने इस वार्ड में आम जनता की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए जिम्मेदारों से भी बात की। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। वार्ड परिक्रमा के लिए सतना से मनीष तोमर के साथ अंबिका केसरी की रिपोर्ट।